बिस्मिल्लाम असलाम और डयर स्टूडेंट्स अली स्मार्ट गाइड में आप सबको हुशामदीद कहा जाता है हमारे पास प्रोबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है टू डाइस आर रोल्ड फाइंड प्रोबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयर्ड ऑन फेस ऑफ डाइस इज ए डिविजिबल बाई थ्री बी मल्टीपल अफ फोर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो डाइस को हमने रोल किया है अब उन दो डायस के फेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं अगर उन नंबर्स को हम सम करें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो सम नंबर ए डिविजिबल बाय थ्री है नंबर बी मल्टीपल ऑफ फोर है अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दो डायस पे सम आने की पॉसिबिलिटीज क्या है तो दो डाइस पे सबसे जो छोटे से छोटे नंबर हैं वो आते हैं वन और वन इससे छोटे आ नहीं सकते और जो मैक्सिमम नंबर आते हैं वो आते हैं डबल सिक्स इससे ज्यादा कोई नंबर आ नहीं सकता इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर होंगे टू और मैक्सिमम होंगे ट्वेल्व यह सम की बात हो रही है कि मिनिमम सम टू होगा और मैक्सिमम सम ट्वेल्व होगा इसका मतलब है टू से लेके ट्वेल्व तक हमारे पास सम आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले केस में उन्होंने कहा है डिविजिबल बाय थ्री तो टू और ट्वेल्व के दरमियान जो नंबर डिविजिबल बाय थ्री हैं वो हैं थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व और टू और, और ट्वेल्व सम के दरमियान जो नंबर मल्टीपल ऑफ फोर हैं वो हैं फोर एट और ट्वेल्व यानी कि हमने दोनों डाइस के फेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स के जो सम हैं केस ए में जस्ट ये नंबर्स कंसीडर करने हैं थ्री सिक्स और तो, थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व और केस बी में हमने फोर एट और ट्वेल्व कंसीडर करने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ फोर हैं। ये तो था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद जो उन्होंने क्यूरीज की हैं उनके मेन पॉसिबिलिटीज अब यहां पे देखिए दो डाइस को रोल किया गया है तो अब हमें यह पता है कि दो डाइस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं लेकिन यह नहीं कंफर्म पता कि दो डाइस को जब हम एक दफा रोल करेंगे तो उस पर क्या क्या नंबर आएंगे तो यह हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट हम इसके रिजल्ट के बारे में अनसर्टन है अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि जब दो डाइस को रोल किया जाए तो उनके फेसिस पे जो नंबर अपीयर्स होते हैं उनकी अब ये हमारे सामने एक चार्ट है जिसमें डाय वन पे जो पॉसिबल नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और डाई टू पे जो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं नंबर्स की वो लिखे हुए हैं अब जब दो डायस को रोल करेंगे हम तो हो सकता है दोनों पे वन और वन आ जाए क्या पता वन और टू आ जाए इसी तरह क्या पता वन और थ्री आ जाए वन फोर आ जाए वन फाइव आ जाए या वन सिक्स आ जाए इसी तरह टू वन आ जाए टू टू आ जाए टू थ्री आ जाए टू फोर आ जाए टू फाइव आ जाए या टू सिक्स आ जाए इसी तरह ये सारा जो चार्ट है ये फिल होगा इन तमाम पॉसिबिलिटीज से तो अब ये जितने भी यहां पे पॉसिबल नंबर्स या कम्बिनेशन से आ सकते हैं वो मैं फिल करता हूं और उसके बाद हम आगे फर्दर सोल्यूशन की जानी मूव करेंगे तो इस चार्ट के अंदर जितने भी दो दो नंबर्स के कंबिनेशन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे पॉसिबल कंबिनेशन हैं जब दो डाइस हम रोल करते हैं और इनकी टोटल जो तादाद है वो है थर्टी सिक्स तो एन एफ एस हुआ थर्टी सिक्स अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानेब मूव करते हैं कि जो पार्ट ए में उन्होंने कहा हुआ था डिविजिबल बाय थ्री तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी तो हमारे पास जो पार्ट ए है उसके सोल्यूशन की जानेब हम मूव करते हैं पार्ट तो ए यहां पे इन्होंने हमें कहा था सम ऑफ नंबर्स ऑन फेस ऑफ डाइस इज डिविजिबल बाय थ्री क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्टार्ट में ही सोल्यूशन में मैंने बता दिया था कि वो नंबर जो सम में डिविजिबल बाय थ्री है वो हैं थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व तो हम इवेंट सपोज करते हैं ए लेट ए इज इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन फेस Uh, dice is divisible बाय थ्री तो अब हमारे पास वो नंबर हमने देखने हैं जो जिनको हम सम करें तो हमारे पास सम थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व आए तो सबसे पहले हम सम देखते हैं तीन का कि तीन का सम कैसे आ सकता है अब हमारे पास वही चार्ट है जो हमने कुछ देर पहले ड्रा किया था तो अब देखें वन और वन टू होते हैं वन और टू थ्री होते हैं तो एक तो हो गया हमारे पास ये इसी तरह टू और वन थ्री होते हैं तो ये नंबर दो का कम्बिनेशन हमारे पास वो हो गए जो सम थ्री बताएं अब दूसरा सम है सिक्स तो यहां पर देखें थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस वन फाइव और फाइव प्लस वन सिक्स एक तो कंबिनेशन हो गया फाइव प्लस वन का अब इधर देखें डायगेली इसको मूव करते हैं तो दूसरा कंबिनेशन है फोर प्लस टू ये भी सिक्स है अब थ्री प्लस थ्री भी सिक्स आता है और फोर प्लस टू भी सिक्स आता है और फाइव प्लस वन भी सिक्स आता है इसी तरह अब नेक्स्ट जो था सम वो था नाइन तो अब देखिए मैक्सिमम सिक्स प्लस टू है तो ये एट आता है इसका मतलब है कि ये पहली दो रो में कोई भी सम नाइन नहीं हो सकता लेकिन यहां पे देखिए सिक्स और थ्री नाइन है इसी तरह दूसरा नंबर है फाइव प्लस फोर भी नाइन आता है तीसरा भी है फोर प्लस फाइव नाइन आता है और सिक्स प्लस थ्री ये भी नाइन आता है अब हमें नाइन का भी मिल गया अब उसके बाद अगला नंबर था सम ट्वेल्व 12, तो ट्वेल्व 12 ए की है हमारे पास डबल सिक्स का तो जितने नंबर पे अब टिक लगे हैं ये पॉसिबल कंबिनेशन हैं कि इनका जो सम आएगा वो डिविजिबल बाय थ्री होगा तो अब हम इस सम को रोट डाउन करते हैं तो हमने जो नंबर चूज किए थे वो थे वन टू टू वन

और एक और कॉम्बिनेशन है जो लिखना मैं भूल गया वो है सिक्स और थ्री का तो अब इनकी तादाद हम गिनते हैं तो एन एफ ए हमारे पास हो जाएगा इनको हम गिनेंगे तो ये ट्वेल्व यूनिट्स बनेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन और ट्वेल्व तो एन एफ ए है हमारे पास ट्वेल्व तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास होगा एन एफ ए इज डिवाइडेड बाई एन एफ एस तो ये हमारे पास बनेगा ट्वेल्व इज डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स अब हम पार्ट बी की जानी मूव करते हैं पार्ट बी में ने कहा था सम इज मल्टीपल ऑफ सम इज मल्टीपल ऑफ फोर तो यहां पे हम इवेंट इसको सपोज करते हैं कि लेट बी इज इवेंट दैट सम इज मल्टीपल ऑफ फोर अब फोर के मल्टीपल नंबर हैं फोर एट और ट्वेल्व अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कंबिनेशन जो है उनका सम मल्टीपल ऑफ फोर आता है तो अब हम दोबारा उस चार्ट की तरफ मूव करते हैं तो यहां पे हम देखते हैं इस चार्ट में कि रो वन में किस को एड किया जाए तो सम फोर आता है तो थ्री प्लस वन हमारे पास फोर हासिल होता है तो एक हमारे पास हो गया थ्री प्लस वन एक हो गया टू प्लस टू और एक हो गया ये वाला प्लस वन ये फोर आ गया उसके बाद दूसरा हमें देखना है एट कैसे आया तो यहां पर देखिए सिक्स प्लस टू एट फाइव प्लस थ्री एट फोर प्लस फोर एट फाइव प्लस थ्री एट और ये सिक्स टू एट अब दूसरा उन्होंने लास्ट जो था हमारा थर्ड वन वो था ट्वेल्व फोर एट और ट्वेल्व ये एक ही कॉम्बिनेशन है अब हमने जितने नंबर या जितने कॉम्बिनेशन को सर्कल किया है इनको हम नोट no डाउन करते हैं इवेंट जो बी है इसमें तो इवेंट बी है हमारे पास देखिए ये हमारे पास बनेगा वन थ्री टू 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 सिक्स थ्री वन थ्री फाइव फोर फोर फाइव थ्री सिक्स टू और सिक्स सिक्स इनको हम गिन लेते हैं कि हमने की गलती तो नहीं की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जो हमने सर्कल किए थे वो देखते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं हमने जो लिखे हैं इवेंट बी में यूनिट ये ठीक है तो एन ऑफ बी हमारे पास होगा नाइन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये होता है एन एफ बी इज डिवाइडेड बाई एन एफ एस के तो ये होगा हमारे पास नाइन इज डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स टू डाइस आर रोल्ड फाइंड प्रोबिलिटी दैट पार्ट ए सम ऑफ नंबर अपीयर्स ऑन फेसिस ऑफ बोथ डाइस इज नंबर वन एट लीस्ट नाइन नंबर टू एट मोस्ट फोर पार्ट बी नंबर अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई इज अ प्राइम नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि दो डाइस को रोल किया है पार्ट ए में हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर उन दो डाइस के ऊपर आने वाले नंबर्स को सम किया जाए तो वह एटलीस्ट नाइन हो और पार्ट टू में कहा गया है कि वह एटलीस्ट फोर हो पार्ट बी में हमसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहली डाई जो है उस पर जो नंबर आए वो प्राइम नंबर हो तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानी मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक डाई को दो दफा रोल किया जाए अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस ये इक्वल होता है टू डाइज आर टू डायस आर रोल्ड वंस ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर एक डाई को दो दफा रोल करें तो तब भी वही सैंपल स्पेस बनेगा जब दो डायस को एक दफा रोल किया जाए यह मैंने इसलिए कहा है कि बजाय कि हम लेंथी सैंपल स्पेस ड्रा करें हम डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ही कैलकुलेट कर लेंगे यानी कि हमने डायरेक्ट एन एफ एस निकालना है बजाय पूरा सैंपल स्पेस ड्रा करने की तो एन एफ एस का यहां पे फॉर्मूला बनेगा एन एफ एस इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ सिंगल ट्रायल ऑफ थ्रोइंग इसकी पावर नंबर ऑफ रिपीटिशंस दूसरे अल्फाज में एक डाई को जब रोल करें तो उसका जो सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं, वो यहां पे लिखेंगे और उसकी पावर लिखेंगे कि हमने डाई को कितनी दफा रोल किया है अब यहां पे उन्होंने हमसे कहा है कि डाई को दो दफा रोल किया गया है तो सिंगल डाई का जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो होती हैं सिक्स और जब दो दफा रोल किया जाए तो सिक्स पावर टू ये बनेगा थर्टी सिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे ये कहा है कि टू डाइस आर रोल्ड तो मैंने ऊपर यहां पे बताया है कि अगर एक डाई को दो दफा रोल किया जाए या दो डाइस को एक दफा रोल किया जाए दोनों सूरतों में सांपल स्पेस एक ही जैसा बनेगा तो यहां पर मैंने एक डाई को दो दफा रोल करने का सांपल स्पेस बनाया है तो ये साम्पल स्पेस वही है जब दो डाइस को एक दफा रोल किया जाए तो हमें एनएफएस हासिल हो गया देखिए पार्ट ए के सोल्यूशन की जानी मूव करते हैं अब पार्ट ए में उन्होंने नंबर वन पार्ट में हमसे कहा है कि सम इज एट लीस्ट नाइन सम इज एट लीस्ट नाइन अब मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि सम जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। सम मिनिमम टू आ सकता है और मैक्सिमम ट्वेल्व आ सकता है और एटलीस्ट का मतलब बताया था इक्वल एंड ग्रेटर यानी कि सम इज इक्वल टू नाइन एंड सम इज ग्रेटर देन नाइन हमने इन दोनों को कंसीडर करना है अब सम इज इक्वल टू नाइन तो इसका मतलब है नाइन है और सम इज ग्रेटर का मतलब है कि नौ से ज्यादा सम भी कंसीडर होगा लेकिन नौ से ज्यादा सम कहां तक जाएगा ट्वेल्व तक क्योंकि हमारे पास सम की मैक्सिमम लिमिट ही ट्वेल्व है तो नाइन टेन अलेवन और ट्वेल्व ये हमारे पास हैं और हमने इन्हीं को कंसीडर करना है तो हम इसको इवेंट सपोज कर लेते हैं लेट ए इज इवेंट दैट Let A is event. Sum is at least नाइन अब एक यूनिट सब देखेंगे कैसे आएंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि sum नाइन आएगा कैसे अगर पहली टाइप वन आए तो दूसरी टाइप पे मैक्सिमम सिक्स आता है इन दोनों को add करें तो ये सेवन बनेगा सम तो नाइन कंसिडर नहीं होगा हमने देखना है सम नाइन कैसे होगा तो अगर पहली टाइप में मिनिमम थ्री आए तो दूसरी डाई पे मैक्सिमम सिक्स आए तो ये सम नाइन बन जाता है अब इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं थ्री सिक्स और सिक्स थ्री चूंकि हमने थ्री से स्टार्ट किया है तो अगर हम देखेंगे पहले डाई पे फोर आए तो दूसरी पे फाइव आए तो सम नाइन बनेगा अब इनको भी हम उल्टा करके लिख लेते हैं इससे ज्यादा और मजीद कोई सम्स की पॉसिबिलिटी नहीं अब हमने देखना है कि सम टेन कैसे आएगा तो अगर पहली डाई पे फोर आए दूसरी पे सिक्स आए तो सम 10 बनता है अब इसका उलट करके लिख देते हैं सिक्स फोर अगर पहली डाई पे फाइव आए तो दूसरी पे भी फाइव आएगा तो सम 10 हो जाएगा इसकी भी यही पॉसिबिलिटीज है अब सम अलेवन देखते हैं पहली पे फाइव आए दूसरी पे सिक्स आए और इसको ही उलट करके लिख दिया इसकी भी यही दो पॉसिबिलिटीज है और सम ट्वेल्व आए तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि डबल सिक्स आ जाए तो ये ए में इससे ज्यादा यूनिट्स नहीं आएंगी तो एन एफ ए हमारे पास होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन और प्रोबेबिलिटी एफ ए जो है ये होता है एन एफ एज डिवाइडेड बाय एन एफ एस के यानी कि टेन इज डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स के अब हम पार्ट बी की जानी मूव करते हैं पार्ट बी में उन्होंने हमसे कहा है एट मोस्ट फोर आए सम। तो समी आ गई मिनिमम सम टू है और ये अप टू ट्वेल्व है तो एट मोस्ट फोर का मतलब ये होता है कि इक्वल टू फोर एंड लेस देन फोर अब फोर तो इक्वल तो फोर हमें समझ आ गई फोर से लेस क्या है थ्री और थ्री से लेस क्या है टू टू से लेस जाएंगी नहीं क्योंकि हमारे पास मिनिमम सम टू है तो उसी तरह हम इसको भी इवेंट सपोज करेंगे यहां पे मैं इवेंट सपोज नहीं करूंगा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बार बार इवेंट सपोज किए हैं तो बी हमारे पास होगा हासिल अब सम देखते हैं कि टू कैसे आता है टू का सिंपल एक ही केस है वन और वन अब सम थ्री कैसे आएगा अगर पहली डाई पे वन आए दूसरी डाई पे टू आए तो सम थ्री हो जाएगा इनको उल्टा करके लिख देते हैं टू और वन इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं अब फोर का देखते हैं सम वन और थ्री से आएगा तो वन और थ्री को उलट करके लिख देते हैं ये हो जाएगा थ्री और वन और इसके अलावा ये टू और टू से आएगा इसके अलावा मजीद इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है अब हम एन एफ बी देखते हैं क्या है एन एफ बी हमारे पास होगा वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है एन एफ बी इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस के तो ये बनेगा हमारे पास सिक्स इज डिवाइडेड बाय थर्टी तो अब हम पार्ट सी की जानी मूव करते हैं पार्ट सी में उन्होंने हमसे कहा है कि नंबर ऑन पार्ट सी में हमसे कहा है कि नंबर ऑन फर्स्ट डाई इज प्राइम नंबर यानी कि पहली डाई पे प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर हमारे पास होते कौन से हैं टू है थ्री है फाइव है अप टू सो ऑन लेकिन चूंकि एक डाई पे ज्यादा ज्यादा सिक्स आ सकता है और मिनिमम वन आ सकता है तो हमने टू थ्री और फाइव ही को कंसीडर करना है तो इसी तरह इसका भी इवेंट सपोज करना पड़ेगा कि लेट इवेंट दैट नंबर ऑन फर्स्ट डाइज प्राइम नंबर तो ये मैं लिखूंगा नहीं मैंने डायरेक्ट इसको लिखना लिखना है तो अब देखें तो पहला नंबर प्राइम हो दूसरा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इसका मतलब दूसरा कुछ भी हो सकता है तो ये होगा टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव और टू सिक्स इसी तरह थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव और थ्री सिक्स और इसी तरह फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव और फाइव सिक्स तो ये हमारे पास बनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और वन टू थ्री सिक्स इन टू थ्री एटीन तो यहां पे हमारे पास एन एफ सी बनेगा एटीन के और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन एफ सी इज डिवाइडेड बाई एन एफ एस तो एन एफ सी है हमारे पास एटीन एन एफ एस है हमारे पास थर्टी सिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टू डाइस आर रोल्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ अपीयर ऑन द फेस ऑफ ईच ए नंबर सिक्स ऑप्शन सी एट लीस्ट नाइन ऑप्शन डी एट मोस्ट सिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो डाइस को रोल किया गया है और पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि उन दो डाइस के फेस पे जो नंबर आते हैं उनका जो सम हो वो ऑप्शन ए में बताया गया है कि नाइन हो ऑप्शन बी में बताया गया है सिक्स हो ऑप्शन सी में बताया गया है एटलीस्ट नाइन हो और ऑप्शन डी में बताया गया है एट मोस्ट सिक्स हो डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस हमें हासिल होगा सिक्स पावर टू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन एफ एस से अब हम कुछ नेसेसरी सपोजिशंस करते हैं हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है जो सम है वो नंबर नाइन हो इसी तरह हम बी इवेंट सपोज करते हैं कि जो सम है वो नंबर सिक्स हो इसी तरह हम सी इवेंट सपोज करते हैं एटलीस्ट नाइन हो और डी हम इवेंट सपोज करते हैं के जो सम हो वो एटमोस्ट सिक्स हो जब हम दो डाइस रोल करते हैं तो उनके ऊपर जो नंबर आते हैं उन नंबर्स का सम दो और बारह के दरमियान आने वाले नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है और वो तमाम पॉसिबिलिटीज मैंने इस बॉक्स पे लिखी हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं हम टू और ट्वेल्व पे वन लिखते हैं अब वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस वन सिक्स और एट नाइन टेन एंड अलेवन पे हम वही नंबर लिख देते हैं जो सिक्स फाइव फोर और थ्री पे लिखे हुए हैं यानी कि फाइव फोर थ्री और टू डियर स्टूडेंट्स ये जो सर्कल में नंबर जितने भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये तमाम नंबर टू से लेके कर ट्वेल्व तक नंबर्स के आने की पॉसिबिलिटीज हैं यानी कि अगर सम टू आए तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है अगर सम थ्री आए तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और सम फोर आए तो उसकी थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं इसी तरह अगर सम सेवन आए तो उसकी सिक्स पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसी तरह एट नाइन टेन अलेवन एंड ट्वेल्व पे उनकी रिस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा था कि जो दो डाइस के ऊपर सम आए वो नाइन आए तो सम नाइन आने की फोर पॉसिबिलिटीज हैं सो नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस ऑफ अक्रेस ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू फोर सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है एन एफ इज डिवाइडेड बाई एन एफ एस तो एन एफ ए हमने कैलकुलेट किया है फोर एन एफ एस हम क्वेश्चन के शुरू में कैलकुलेट कर चुके थे वो थर्टी सिक्स इसी तरह क्वेश्चन में फर्दर उन्होंने पूछा है कि सम सिक्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो सम आने की फाइव पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम लिखते हैं एन एफ बी इज इक्वल टू फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन एफ बी इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस इज इक्वल टू फाइव इज डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फर्दर उन्होंने पूछा था कि सम जो है वो एटलीस्ट नाइन आए एटलीस्ट नाइन का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू नाइन एटलीस्ट नाइन का मतलब ये होता है ग्रेटर टू नाइन सो ग्रेटर टू नाइन नाइन भी आएगा टेन भी आएगा इलेवन भी आएगा ट्वेल्व भी आएगा और इन सबको ऐड करें फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस टू नाइन एंड नाइन प्लस वन इज टेन सो एन ऑफ सी हमारे पास आएगा टेन एन ऑफ सी इज इक्वल टू टेन िटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन एफ सी इज सिक्स अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, में हमसे ये भी पूछा है किस हो, हो तो एटमोस्ट का मतलब होता है समॉलर और इक्वल सो एटमोस्ट सिक्स का मतलब होगा समालर और इक्वल टू सिक्स तो स्मॉलर इक्वल टू सिक्स में हमारे पास सिक्स भी आएगा फाइव भी आएगा फोर भी आएगा थ्री भी आएगा और टू भी आएगा और इन सबकी पॉसिबिलिटीज को हम ऐड करते हैं फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस आएगा फिफ्टीन एन एफ डीज इक्वल टू फिफ्टीन सो प्रोबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन एफ डीज डिड बाई एन एफ एस तो ये हमें हासिल होगा फिफ्टीन इज डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स डियर स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यूज कैलकुलेट करने का कहा था अ कॉइन इज टॉस्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द फेस ऑफ कॉइन कॉइन एक coin को टॉस किया गया है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि कॉइन के फेस पे हेड आए यानी कि कॉइन की जो ऊपर वाली सतह है जो हमारी तरफ फेस कर रही हो उस पे हेड आए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं सैंपल स्पेस तो एक कॉइन को अगर टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं या तो हेड आएगा या फिर टेर आएगा यानी कि एन एफ एस होगा टू के अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द फेस ऑफ कॉइन हम इसको इवेंट सपोज करते हैं लेट ए इज इवेंट दैट लेट ए इज इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन फेस ऑफ द कॉइन तो वो एक ही केस है क्योंकि एक ही कॉइन टॉस किया गया है तो वो एक ही केस होगा कि हेड ही आए हमारे पास और एनएफए होगा हमारे पास वन के इक्वल प्रोबेबिलिटी एफ ए का फार्मूला है एन एफ इज़ डिवाइडेड बाय एन एफ एस तो एन एफ ए है हमारे पास वन और एफ एस है हमारे पास टू तो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वन ओवर टू या जीरो पॉइंट फाइव हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है टू कॉइंस आर टॉस्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर वन वन हेड नंबर टू टू टेल्स नंबर थ्री एट लीस्ट वन हेड नंबर फोर एट मोस्ट वन टेल ऑन फेस ऑफ बोथ कॉइन्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स के बारे में बताया गया है टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स अब ये जो दो कॉइंस हम टॉस कर रहे हैं हमें इन दो कॉइन्स की जो आउटकम्स हैं या जो रिजल्ट आएंगे हैं उनके बारे में 100% परसेंट शोटी से नहीं पता कि क्या रिजल्ट आएंगे लेकिन हमें यह जरूर पता है कि क्या क्या आ सकता है यानी कि इन दो कॉइन्स के रिजल्ट्स के बारे में हम अनसर्टन हैं तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स अनसर्टन हों हो, वो एक्सपेरिमेंट हमेशा कहलाता है रेंडम एक्सपेरिमेंट सो टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स जो है ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो वो सेट जिसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबिलिटीज लिखते हैं या पॉसिबल आउटकम लिखते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस तो इन टू कॉइन्स का सैंपल स्पेस होगा दोनों टाइम्स टेल आ जाए या ऐसा भी मुमकिन है कि फर्स्ट टाइम टेल आए सेकंड टाइम हेड आ, आ जाए यह भी मुमकिन है कि फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम टेल आ जाए और यह भी मुमकिनात में है कि दोनों दफा हेड आ जाए अब यह जो चार पॉसिबिलिटीज लिखी हैं यह ही मुमकिन तौर पर दो क्वेंट को टास्क करने के रिजल्ट्स हो सकते हैं जो कि हमने नोट डाउन कर लिए इसका एक और मैथड भी होता है सांपा स्पेस ड्रॉ करने का और वो ये है कि हम चार्ट बना लें कैसे हेड टेल और हेड टेल ये हेड और ये हेड मिला के हेड हेड ये हेड और टेल मिला के हेड टेल ये टेल और हेड मिला के टेल हेड, और ये टेल और टेल मिला के टेल टेल तो हमें इस चार्ट मैथड से भी चार पॉसिबिलिटी मिली है और हमने जो सोच के साफ स्पेस बनाया था इसमें भी चार ही पॉसिबिलिटीज हैं तो आपको जो अप्रोच ज्यादा आसान लगती है आप वो फॉलो कर सकते हैं तो एन एफ एस होगा यानी कि सैंपल स्पेस के मेंबर्स की तादाद ये होगा फोर के अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है कि वन हेड अपीयर्स ऑन फेस ऑफ फेसिस ऑफ बोथ कॉइन्स तो ये है हमारे पास इवेंट तो इवेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सपोज करते हैं लेट ए इज इवेंट दैट वन हैड अपियस ऑन फेसिस ऑफ बोथ कॉइन्स अब कॉइन्स दो टास्क हो रहे हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि कॉइन्स के जो फेसिस हैं उनपे वन हेड आए इसका मतलब यह है कि किसी एक कॉइन के बारे में उन्होंने बात की है कि उस पर हैड आए दूसरे पे यकी तौर पर तेल ही होगा तो ये हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि क्या बता पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए तो इवेंट ए में जो यूनिट्स हैं उनकी तादाद एन एफ ए कहलाएगी और ये होगी टू के तो प्रोबेबिलिटी एफ ए का फॉर्मूला होता है एन एफ ए इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस तो हमें प्रबिलिटी ऑफ ए हासिल होगी टू इज डिवाइडेड बाय फोर इसको हम वन बाय टू भी लिख सकते हैं और जीरो पॉइंट फाइव बी लिख सकते हैं अब सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट में वो टू टेल्स के बारे में बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि टू टेल्स आए तो इसी तरह हम इसको भी सपोज करते हैं कि लेट बी इज इवें डेट इसलिए सपोज नहीं किया कि पार्ट वन में ए सपोज किया जा चुका है सो लेट बी इज इवेंट दैट टू टेल्स अपीयर्स ऑन फेसेस ऑफ बोथ कॉइन्स तो वो एक ही केस है हमारे पास क्योंकि कॉइन्स ही दो हैं तो बी होगा टेल टेल तो ये एक ही केस है हमारे पास तो एन एफ बी होगा वन हमने दोनों कॉइन्स को अलग अलग कंसीडर इसलिए नहीं किया कि हमारा रेंडम एक्सपेरिमेंट ही दो कॉइंस को टास्क करना है इसलिए दो कॉइंस का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक यूनिट कंसीडर होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन एफ बी इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हासिल होगी वन इज डिवाइडेड बाय फोर के अब जो पार्ट थ्री है इसमें हमसे पूछा गया है एटलीस्ट वन हेड के बारे में तो सबसे पहले एटलीस्ट को समझते हैं कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी में जो टर्म है इसका मतलब जो है वो इंग्लिश के टर्म के मतलब से थोड़ा सा अलग है प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट का मतलब होता है इक्वल एंड ग्रेटर यानी कि जो भी हमारे पास एटलीस्ट आगे अमाउंट लिखी हो तो इसका मतलब यह होगा कि उसके इक्वल और उससे ज्यादा दोनों को हम कंसीडर करेंगे सो एटलीस्ट वन हेड का मतलब होगा एटलीस्ट वन हेड का मतलब होगा कि हमने इक्वल इक्वल टू वन हेड एंड ग्रेटर देन वन हेड ये दोनों ही कंसिडर करने इक्वल टू वन हैड तो आ गया वन और वन से ग्रेटर हैड टू भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं अप टू इंफिनिटी क्योंकि वन से ग्रेटर तो बहुत ज्यादा नंबर है लेकिन हमने अपने रेंडम एक्सपेरिमेंट की रेंज से बाहर नहीं जाना तो हमारे रेंडम एक्सपेरिमेंट की रेंज थी टू कोइंस तो इसका मतलब है जब दो क्वेंस ट होंगे तो दो से ज्यादा हेड नहीं आ सकते तो ये थ्री और इसके बाकी कंसीडर नहीं होंगे तो हमने वन को भी कंसीडर करना है और टू को भी कंसीडर करना है तो टी स्ट यहां भी जो एंड लिखा है आपने इसको इंटरसेक्शन से कंफ्यूज नहीं करना वो हमारा बाद का टॉपिक है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जब और आए तो उसका मतलब कुछ और होता है जब एंड आए तो उसका मतलब कुछ और होता है लेकिन यहां पर जो मैंने इक्वल एंड ग्रेटर लिखा है तो ये जस्ट इंग्लिश में लिखा है प्रोबेबिलिटी

तो हम यहां पे इवेंट सपोज करेंगे कि लेट सी बी इवेंट दैट लेट सी बी इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स ऑन फेस ऑफ ये फेसेस ऑफ बोथ कॉइन्ट तो सी में जो यूनिट्स होंगी वो होंगी पहले हम वन हेड को कंसिडर करते हैं तो तब जब वन हेड आए तो हमारे पास हेड टेल और टेल हेड होंगी तो जब दो हेड को सोचेंगे हम तो वो डबल हेड यानी कि दोनों दफा हेड आ जाए और टू टेल्स को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उसमें एक दफा भी हेड नहीं आया तो यहां पे एन एफ सी होगा हमारे पास थ्री के तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सी है वो फार्मूला होगा एन ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस तो ये होगा थ्री इज डिवाइडेड बाय फोर के तो अब हम इसका फोर्थ और आखिरी पार्ट देखते हैं अब फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें एटमोस्ट का कहा है एटमोस्ट वन टेल एटमोस्ट का मतलब होता है क्वल एंड समॉलर यानी कि जो नंबर एटमोस्ट दिया होता है उस नंबर के इक्वल और उससे छोटे अप टू जीरो तो सारे कंसिडर होंगे जीरो से नीचे इसलिए नहीं जा सकता कि जीरो से नीचे का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस अब एटमोस्ट वन टेल का मतलब होगा इक्वल टू वन एंड समॉलर अब वन से समॉलर क्या होगा जीरो यानी के एटमोस्ट वन टेल का मतलब होता है वन टेल एंड नो टेल अब नो no टेल का मतलब क्या होगा नो no टेल का मतलब होगा आल आल आर हेड आल आर हेड यानी कि वन टेल भी कंसिडर होगा और नो no टेल भी कंसिडर होगा यानी कि आल आर हेड तो या तो एक टेल है या फिर सारे हेड्स आ जाए तो इसमें हमारे दोबारा हम इसको सपोज करते हैं इवेंट को लेट डी बी इवेंट दैट एट मोस्ट वन टेल सॉरी यहां पे वन है एट मोस्ट वन टेल अपियस ऑन फेसिस ऑफ बोथ क्वेंट तो वन टेल वही होगा कि या टेल आ जाए या हेड आ जाए या फिर या हेड आ जाए या टेल आ जाए और नो टेल का मतलब होगा दोनों दफा हेड आ गया तो ये वही हमारे पास यूनिट बन गई जो कि हमने ऑप्शन सी में या तीसरे सवाल में कैलकुलेट की थी तो एन एफ डी हमारे पास होगा थ्री के प्रोबिलिटी ऑफ डी जो होगा वो होगा एन एफ डी इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस के ये होता है इक्वल थ्री इज डिवाइडेड बाय फोर के थ्री कॉइन्स और टॉस्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑप्शन ए वन हेड ऑप्शन टू टू टेल्स ऑप्शन थ्री एटलीस्ट टू हेड्स ऑप्शन फोर एट मोस्ट वन टेल ऑन फेसेस ऑफ कॉन्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि तीन कॉइन्स टॉस किए गए हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि प्रॉबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि उन तीन क्वाइंस के जो फेसेस हैं उन पे नंबर वन वन हेड आए नंबर टू टू टेल्स आए नंबर थ्री एट लीस्ट टू हेड आए और नंबर फोर एट मोस्ट वन टेल आए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया है और यह रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइंस ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए है कि इसमें हमने इसमें हमने तीन कॉइन्स टॉस किए हैं और हमें 100% परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं पता कि उन कॉइन्स के फेसिस पे क्या आएगा लेकिन हमें यह जरूर पता है कि क्या क्या आ सकता है यानी कि हम इस रेंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में अनसर्टन हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में हम अनसर्टन हो उस एक्सपेरिमेंट को हम रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं तो रेंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होते हैं जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं या जो पॉसिबिलिटीज होती हैं आउटकम्स की उनको एक सेट में हम लिखते हैं और उस सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं तो यहां पे जो सैंपल स्पेस बनेगा वो दो तरीकों से बन सकता है पहला तरीका ये है कि आप सोच लीजिए आप अप, अपने विजुअलाइजेशन की मदद से ये अंदाजा लगाइए कि क्या क्या आ सकता है कैसे फर्ज करें तीनों दफा हेड आ गया यह ऐसा भी हो सकता था कि पहली दफा टेल आया दोनों दफा हेड आया या फिर पहली दफा हेड आया दूसरी दफा टेल आया तीसरी दफा हेड आया या फिर पहली दो दफा हेड आया और तीसरी दफा टेल आ गया ऐसा भी हो सकता था कि तीनों दफा टेल आ जाए या फिर पहली दफा हेड और दो दफा टेल आ जाए या फिर पहली दफा टेल दूसरी दफा हेड और तीसरी दफा टेल आ जाए या फिर पहली दो दफा टेल आए और तीसरी दफा हेड आए तो ये आठ पॉसिबिलिटीज हैं इन आठ पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती एक तो यह तरीका था और दूसरा तरीका यह है कि आप एक टेबल बना लो या फिर आप ज्यादा आसान यह है कि आप ट्री डायग्राम की मदद से यह ड्रा कर लें तो अभी मैं ट्री डायग्राम बनाता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यह सैंपल कैसे ड्रॉ होगा तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम है इसकी मदद से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सैंपल स्पेस बन सकता है कैसे हेड हेड है और हेड एक केस ये हो गया हेड हेड और हेड इसी तरह हेड हेड और टेल हेड हेड और टेल सिमिलरली हेड टेल हेड फिर हेड टेल टेल अब यहां पे देखिए टेल हेड हेड इसी तरह टेल हेड और टेल यहां पे देखें टेल टेल और हेड और फिर टेल टेल और टेल तो डियर स्टूडेंट्स जो आपको मेथोडोलॉजी ज्यादा आसान लगती है आप उस मेथडोलॉजी के मुताबिक सैंपल स्पेस ड्रा करें तो दोनों सूरतों में ये आठ सैंपल स्पेस ही बनेंगे तो अब हम मजीद फर्दर इस क्वेश्चन के जो पार्ट हमसे पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन की जानेब मूव करते हैं सबसे पहले पार्ट में इन्होंने हमसे वन हेड के बारे में पूछा है तो सबसे पहला पार्ट है इसका वन हेड तो हम इसको इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इवेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम देख सकते हैं लेट ए इज इवेंट दैट वन हैड अपीयर्स ऑन फेसिस ऑफ कॉइंस यानी कि एक हेड आए तो सिर्फ एक हेड वाले हमारे पास कितने केसेस हैं एक हेड वाले हमारे पास केसेस हैं एक है हेड टेल टेल दूसरा है टेल हेड टेल और तीसरा है टेल टेल और हेड। इसके अलावा हमारे पास कोई भी मजीद और केस नहीं जिसमें एक हेड हो तो एन एफ ए हमारे पास हो जाएगा थ्री के हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो एन एफ ए बाय एन एफ एस होता है एन एफ ए हमने गिन लिया है ये तीन है और एन एफ एस था हमारे पास आठ यानी कि तीन कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस था वो आठ की तादाद में था आप पीछे जो हमने सैंपल स्पेस ड्रा किया है उसमें एन एफ एस ये देख सकते हैं कि उनकी तादाद क्या है अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं सेकेंड पार्ट में उन्होंने टू टेल्स के बारे में कहा है तो इसको भी हम इवेंट सपोज करते हैं हम लिखते हैं लेट बी इज इवेंट दैट टू टेल्स अपीयर्स ऑन फेसेस ऑफ कॉइंस तो बी हमारे पास बनेगा के दो टेल्स आए तो हमारे पास दो टेज वाले केसेस बी यही है जो वन हेड वाले थे यानी कि हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल और हेड तो एन एफ बी हमारे पास बनेगा थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास होगा एन एफ बी इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस तो ये बनता है थ्री इज डिवाइडेड बाय एट के थर्ड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि एटलीस्ट टू हेड्स ये कैलकुलेट किया जाए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटलीस्ट को प्रोबेबिलिटी में जब भी एटलीस्ट आता है तो हम इसको इक्वल एंड ग्रेटर सारे के सारे केसेस को डील करेंगे यानी कि एटलीस्ट कोई नंबर के बारे में प्रोबेबिलिटी में बात हो रही होती है तो इक्वल टू दैट नंबर और उस नंबर से ज्यादा जितने भी नंबर्स बनते हैं हमारे सैम्पल स्पेस की रेंज में या रेंडम एक्सपेरिमेंट की रेंज में हम वो सारे कंसीडर करते हैं तो अगर यहां पे लिखा हुआ होगा एट एटलीस्ट टू हेड्स तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू टू हेड्स ये भी कंसीडर होगा एंड ग्रेटर देन टू हेड्स ये भी कंसीडर होगा अब इक्वल टू टू हेड्स तो हमें समझ में आता है कि ये दो हेड्स की बात हो रही है एंड ग्रेटर देन हेड्स का मतलब है थ्री हेड भी हो सकते हैं फोर हेड भी हो सकते हैं फाइव भी हो सकते हैं अप टू इनफिनिटी बहुत से केसेस बनते हैं लेकिन हमारे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की रेंज है वो है तीन क्योंकि हमने तीन कॉइन्स टॉस किए हैं तो ये टू एंड थ्री आएगा फोर एंड फाइव और बाकी सारे कोई भी कंसीडर नहीं होंगे तो इसका मतलब है हमने टू हेड भी कंसीडर करने हैं और थ्री हेड्स भी कंसीडर करने हैं तो हम यहां पे इवेंट सपोज करते हैं लेट सी इज इवेंट दैट लीस्ट टू हेड्स अपीयर्स ऑन फेसेस ऑफ कॉइंस तो अब हम लिखते हैं सी में कौन कौन सी यूनिट्स बनती हैं। तो सी में हम टू हेड्स भी कंसीडर करेंगे और थ्री हेड्स भी कंसीडर करेंगे तो टू हेड्स को जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा टेल हेड हेड एक केस हेड टेल हेड दूसरा केस और हेड हेड और टेल तीसरा केस और जब हम तीन हेड कंसीडर करेंगे तो ये तीनों दफा हेड 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 आ जाएगा इसके अलावा हमारे पास मजीद कोई यूनिट्स नहीं बनेंगे तो एन एफ सी हमारे पास होगा फोर के और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होता है वो होता है एन एफ सी इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस तो ये बनता है फोर इज डिवाइडेड बाय एट हम इसको लिख सकते हैं वन इज डिवाइडेड बाय टू या फिर जीरो पॉइंट फाइव के तो अब हम मूव करते हैं ऑप्शन फोर के सोल्यूशन की जाने अब हम पार्ट फोर के सोल्यूशन की जाने मूव करते हैं और पार्ट फोर में उन्होंने हमसे पूछा है एट मोस्ट वन टेल के बारे में अब प्रोबेबिलिटी में एट मोस्ट का मतलब होता है इक्वल एंड समालर यानी कि एट मोस्ट जो भी क्वांटिटी दी हुई होती है प्रोबेबिलिटी में जब भी एट मोस्ट सम क्वांटिटी हो तो इसका मतलब यह है कि इक्वल टू दैट क्वांटिटी और स्मॉलर देन दैट क्वांटिटी ये दोनों ही कंसीडर होंगे तो यहां पर एटमोस्ट वन टेल के बारे में बताया गया है तो एटमोस्ट वन टेल जो है इसको हम लिखेंगे इक्वल टू वन टेल यानी कि वन टेल एंड स्मॉलर देन वन टेल यानी वन टेल जीरो टेल माइनस वन टेल माइनस टू टेल अप टू माइनस इनफिनिटी। लेकिन माइनस वन टेल माइनस टू टेल माइनस अप टू माइनस इनफिनिटी ये इलॉजिकल लॉजिकल है इनकी कोई लॉजिक नहीं बनती क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम कॉइन आस करें और हमारे पास माइनस वन या माइनस टू आए तो वन और जीरो ही हमारे पास कंसीडर होंगे यानी कि वन टेल और जीरो टेल तो हम इसको इवेंट बनाते हैं लेट डी इज इवेंट दैट लेट डी इज इवन दैट एट मोस्ट वन टेल अपियर ऑन फेसेस ऑफ कॉइन्स तो आप देखते हैं हमारे पास डी में कौन कौन से यूनिट्स आएंगे तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे वन टेल को तो जब तीन कॉइन टॉस किए जाए और वन टेल आए तो ये होगा वन टेल और हेड हेड एक केस दूसरा केस बनेगा हेड टेल और हेड और तीसरा केस बनेगा हेड हेड और टेल ये तीन ही केस बनेंगे वन टेल के और जीरो टेल आए जीरो टेल आने का मतलब ये है कि तीनों टाइम्स हेड आ जाए तो ये होगा हेड हेड और हेड तो ये हमारे पास इवेंट डी में चार ही आउटकम्स हैं तो एन एफ डी हमारे पास होगा फोर के प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होता है एन एफ डी इज डिवाइडेड बाई एन एफ एस के ये बनता है हमारे पास फोर इज डिवाइडेड बाई एट हम इसको लिख सकते हैं वन इज डिवाइडेड बाई टू या फिर जीरो पॉइंट फाइव नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट सेवेंटी नेचुरल नंबर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सिक्स और एट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि पहले सेवेंटी नेचुरल नंबर में से एक नंबर हमने चूज किया है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए क्या प्रॉबिलिटी है कि वह नंबर मल्टीपल ऑफ सिक्स है या फिर मल्टीपल ऑफ एट डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो सिक्स और एट लिखा हुआ है इसमें ये जो और है इसका मतलब है यहां पर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई होगा तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वन टू थ्री अप टू सेवेंटी तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो बनेंगे सेवेंटी हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है लेट ए इज इवेंट कि वो जो नंबर है मल्टीपल ऑफ सिक्स हो लेट ए इज इवेंट दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सिक्स इसी तरह हम इवेंट बी सपोज करते हैं लेट बी इज इवेंट दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ एट तो लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी यानी कि नंबर के सिक्स के मल्टीपल होने या नंबर के एट के मल्टीपल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स के मल्टीपल होने की प्लस एट के मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी माइनस वो नंबर सिक्स और एट दोनों का मल्टीपल हो उसकी प्रोबेबिलिटी अब प्रोबेबिलिटी में ये जो और है इसको यूनियन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो एंड है इसको इंटरसेक्शन से तो हम लिखेंगे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको हम देते हैं इक्वेशन ए का नाम अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इवेंट ए है उसमें कौन कौन सी आउटकम्स आ सकती हैं तो ए हमने सपोज किया है मल्टीपल ऑफ सिक्स तो फर्स्ट सेवेंटी नेचुरल नंबर में जो मल्टीपल ऑफ सिक्स हैं वो हैं सिक्स ट्वेल्व एटीन अप टू सिक्सटी सिक्स इससे नेक्स्ट हमारे पास सेवन टू सेवेंटी टू आ जाएगा जो कि हमारी जो फर्स्ट सेवेंटी नेचुरल नंबर इसकी रेंज से आउट हो जाएगा इसलिए इसके इतने ही आउटकम्स बनेंगे और जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो होंगे अलेवन इसी तरह इवेंट बी में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इवेंट बी में एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर अप टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर 72 सेवेंटी टू हो जाएगा जो कि रेंज क्रॉस कर जाएगा इसलिए ये सिक्सटी फोर तक होगा और एन एफ बी हमारे पास होगा एट के इक्वल अब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए और बी में कॉमन है तो इसके दो तरीके हैं पहले हम सिंपली इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो ये बनेगा एक 24 और दूसरा 48 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास होगा 2 के इक्वल दूसरा तरीका इसका यह है कि आप एट और सिक्स का एल्सियम लें एट और सिक्स टू फोर एट एंड टू थ्री सिक्स और इसका एल्सियम बनेगा टू क्रास फोर क्रास थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो वो नंबर जो एट के मल्टीपल हैं और वो नंबर जो सिक्स के मल्टीपल हैं वो ट्वेंटी फोर के मल्टीपल भी होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ट्वेंटी फोर का मल्टीपल ट्वेंटी फोर खुद है दूसरा फोर्टी एट और तीसरा सेवेंटी टू बनेगा लेकिन 72 से बाहर हो जाएगा, इसलिए ये दो ही आएंगे तो दोनों अप्रोचेज आप यूज कर सकते हो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जैसा इक्वेशन ए में मैंने बताया अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस और ए इंटरसेक्शन बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस अब हमारे पास जो एन ऑफ ए है ये हमने कैलकुलेट किया अलेवन इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस हमारे पास है सेवनटी प्लस एन एफ बी है हमारे पास एट और एन एफ एस है सेवनटी माइनस एन एफ एट सेक्शन बी है हमारे पास टू और एन एफ एस है सेवेंटी अब हम लेंगे इसका एलसीएम तो एलसीएम आएगा सेवनटी ही अलेवन प्लस एट माइनस टू तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बनेगी सेवनटीन तो हम इसको लिखेंगे सेवनटीन इज डिवाइडेड बाय सेवेंटी अ बैग कंटेन्स थ्री रेड बाल्स फोर ब्लू बाल्स फाइव ग्रीन बाल्स टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड प्रॉबिलिटी दैट पार्ट ए बोथ आर ब्लू पार्ट बी वन इज रेड पार्ट सी एट लीस्ट वन ऑफ दम इज ग्रीन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में तीन रेड चार ब्लू और पांच ग्रीन बाल्स हैं दो बाल्स रेंडमली चूज की गई हैं बैग से और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट ए में दोनों ब्लू बाल्स हो पार्ट बी में एक रेड हो और पार्ट सी में कम अज कम एक बाल ग्रीन हो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डे स्टूडेंट्स हमारे पास जो बैग है उसमें रेड ब्लू और ग्रीन बाल्स पड़ी हुई है बैग में तीन रेड हैं चार ब्लू बाल्स हैं और पांच ग्रीन बाल्स हैं और इन सब का टोटल बनता है ट्वेल्व अब बैग में से दो बालें रैंडमली चूज़ गई हैं चूज़ की गई हैं बिना किसी आर्डर के तो यहाँ पे हम कंबिनेशन रूल्स यूज़ करेंगे तो बैग में जो दो बालें चूज़ की गई हैं उसके लिए हम आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस कैलकुलेट करेंगे ट्वेल्व से और ट्वेल्व हमारे पास आता है सिक्सटी सिक्स अब पार्ट ए में देखिए पार्ट ए में उन्होंने कहा है बोथ आर ब्लू बॉल्स तो हम सपोज करेंगे इवेंट लेट ए इज इवेंट दैट लेट ए इज इवेंट दैट बोथ बॉल्स बोथ बाल्स आर ब्लू तो इवेंट ए के जो आउटकम्स होंगे वो होंगे हमारे पास जो ब्लू बाल्स हैं वो हैं फ़ोर तो ये हो जाएगा फोर सी टू तो बैग से हमने बालें ही दो चूज़ करनी है तो फोर सी टू बालों की तादाद कम्प्लीट होगी तो बैग में जो बाकी आठ बाल्स पड़ी हैं उनमें से कोई भी बाल सेलेक्ट नहीं होगी तो ये फोर सी टू होता है सिक्स के इक्वल इज मल्टीप्लाइड बाई एट सी ज़ीरो होता है वन तो ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट होगी हमारे पास एन एफ ए इज डिडेड बाई एन एफ एस यानी के आउटकम्स ऑफ ए इवेंट ए और आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस तो ये हो जाएगा सिक्स इज डिवाइडेड बाई सिक्सटी सिक्स तो हम इसको लिख सकते हैं वन इज डिवाइडेड बाई अलेवन अब पार्ट बी की जानी मूव करते हैं पार्ट बी है वन इज रेड तो हम यहां पे अगेन इसको इवेंट ए सपोज करते हैं लेट ए इज इवेंट दैट लेट ए इज इवेंट दैट वन इज रेड बॉल एक बॉल रेड हो तो यहां पे आउटकम्स ऑफ इवेंट होंगी हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं वो हैं तीन तो इन तीन में से कोई एक बॉल आ गई अब जो हमारे पास एक बॉल बची है क्योंकि बैक से दो बालें चूज होना है वो एक बॉल जो है वो या तो ब्लू होगी या फिर ग्रीन तो अगर हम इस तरह कॉम्बिनेशन बनाए तो हमारे पास काफी ज्यादा कम्बिनेशन बन जाएंगे और पेपर में टाइम वेस्ट होगा तो चूंकि हमें सिर्फ रेड बॉल में दिलचस्पी है क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रेड बाल का कहा है और किसी बाल का जिक्र नहीं किया तो हमारे पास रेड बाल एक आ गई तो बाकी बैग में जितनी भी बालें पड़ी हुई हैं उनमें से कोई एक बाल होगी हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है वो ब्लू हो या ग्रीन हो तो बैग में जो बाकी बालें पड़ी हैं वो है नाइन तो इसको लिखेंगे हम नाइन सी वन तो ये हो जाएगा थ्री इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन क्योंकि थ्री सी वन थ्री होता है और नाइन सी वन नाइन तो ये हो जाएगा नाइन थ्री आर ट्वेंटी सेवन इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हम फॉर्मूला लिखेंगे

वन ग्रीन का मतलब होगा इक्वल टू वन ग्रीन इक्वल टू वन ग्रीन और ग्रेटर देन वन ग्रीन तो बालें ही बैग से हमने दो चूज करनी है तो इक्वल टू वन ग्रीन का मतलब है एक ग्रीन बाल आ गई और ग्रेटर देन वन ग्रीन का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा दो बालें होगी तीन बालें हो नहीं सकती क्योंकि बैग से हमने दो बालें चूज की हैं तो हमने पहले एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और उसमें दो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद वो दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड कर देनी है तो यहां हम इवेंट सपोज करते हैं लेट ए इज इवेंट दैट लेट ए इज इवेंट दैट एट लीस्ट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रीन तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगी अब या तो हम वन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अलग कैलकुलेट करें और टू ग्रीन की अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उन दोनों को ऐड कर दें या एक ही इवेंट बनाए इसमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज एक साथ ऐड कर दें अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे एन एफ ए यहाँ पे होगा हमारे पास एक ग्रीन आए तो ग्रीन हमारे पास बालें हैं पाँच तो पांच में से कोई एक आ गई और वही कंसेप्ट यूज होगा जो हमने रेड बाल में यूज किया था तो बाकी हमारे पास सात बालें बची तो उन सात में से कोई एक बाल आ गई ये तो एक ग्रीन का हमने जो था आउटकम्स वो ले लिए प्लस अब हमारे पास अगर दो ग्रीन बाल चूज करनी हो बैग से तो ये हो जाएगा फाइव सी टू और सात में से कोई बाल भी नहीं आएगी क्योंकि दो बालें चूज करनी थी जो कि पूरी हो गई हैं तो फाइव सी वन जो होगा वो होगा हमारे पास फाइव इज मल्टीप्लाइड बाई सेवन सी वन होगा सेवन प्लस फाइव सी टू होगा हमारे पास टेन और सेवन सी जीरो होता है वन तो ये वैल्यू हमें हासिल होगी थर्टी फाइव प्लस टेन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव के तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फार्मूला है ये होता है आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स ऑफ साम्पल स्पेस तो एन एफ ए हमने कैलकुलेट किया है यह है फोर्टी फाइव इज डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स ऑफ साम्पल स्पेस है सिक्सटी सिक्स तो ये फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद हमें जो प्रोबेबिलिटी हासिल होगी वो होगी फिफ्टीन इज डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू बॉक्स कंटेन्स फाइव ग्रीन फोर येलो एंड थ्री वाइट बॉल्स थ्री बाल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वॉट इज द प्रोबिलिटी दैट दे आर नाट ऑफ द सेम कलर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉक्स में पाँच ग्रीन चार येलो और तीन वाइट बाल्स हैं तीन बाल्स एट रैंडम उस बॉक्स में से उठाई गई हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि प्रोबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि वो तीनों बालें सेम कलर की ना हों यानि कि मुख्तलिफ कलर की हों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डी एस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो डाटा है वो डाटा है ग्रीन बाल्स हैं हमारे पास फाइव सो ग्रीन बाल्स ये हैं हमारे पास फाइव प्लस येलो बाल्स हमारे पास चार हैं सो येलो बाल्स हमारे पास चार हैं और वाइट बज हैं हमारे पास तीन सो वाइट बाल हैं हमारे पास तीन तो बैग के अंदर जो टोटल बज हैं मुख्तलिफ कलर्स की वो है ट्वेल्व अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एन of एस एन of एस रिप्रेजेंट करता है टोटल

इसका मतलब यह है कि हमारे पास 220 पॉसिबल वेज हैं कि हम तीन बाल चूज कर सकें अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कैलकुलेट करने का कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि वो तीनों बालें एक जैसी एक कलर की ना हो तो हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज इवेंट दैट लेट ए इज इवेंट दैट All three balls are not of same color. इसका मतलब यह है कि तीनों बालों का जो कलर हो वो डिफरेंट हो तो अब हम एन एफ ए कैलकुलेट करते हैं और एन एफ ए रिप्रेजेंट करता है टोटल आउटकम्स ऑफ सपोज्ड इवेंट तो तीनों बालेंगे सेम कलर की नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि एक बाल ग्रीन होगी तो यह होगा फाइव सी वन इज मल्टीप्लाइड बाई एक बाल येलो होगी तो यह होगा फोर सी वन इज मल्टीप्लाइड बाई एक बाल होगी व्हाइट तो यह हो जाएगा थ्री सी वन हम इसको लिख सकते हैं फाइव इज मल्टीप्लाइड बाई फोर इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री और यह हमारे पास वैल्यू आएगी सिक्सटी तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का फार्मूला लिखते हैं ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू एन एफ इज़ डिवाइडेड बाई एन एफ एस तो ये हमारे पास एन एफ ए कैलकुलेट हो गया है फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी थ्री इज डिवाइडेड बाय अलेवन और यही वो प्रोबिलिटी है जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कैलकुलेट करने का कहा गया था

एक स्टूडेंट रैंडमली चूज किया गया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए वो स्टूडेंट लड़का है या वो है जो ग्लासेस यूज करता है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर देखें आप तो बॉय और समवन हु वियर ग्लासेस की बात की गई है तो जब भी और आए तो लॉ ऑफ एडिशन लगता है जिसकी स्टेटमेंट है प्रोबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेकिन यहां पे इवेंट ए और बी की बात नहीं हो रही अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं या तो हम इवेंट ए और बी को डिफाइन कर लें या फिर हम सेम इसी तरह चले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय आर समर ग्लासेस तो हम यहां पे पहली अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं तो लेट ए इज इवेंट दैट लेट ए इज इवेंट दैट स्टूडेंट इज बॉय और बी इवेंट हम सपोज कर लेते हैं कि लेट बी इज इवेंट दैट स्टूडेंट इज समवन हु वियर ग्लासेस इवेंट हमने डिफाइन कर लिए हैं अब हम सैंपल स्पेस की जानेब मूव करते हैं यह हमारा सैंपल स्पेस है जिसमें देखिए दस बॉयज हैं ट्वेंटी गर्ल्स हैं दस में से पांच बॉयज ग्लासेस यूज करते हैं और पांच ग्लासेस के बिना हैं। इसी तरह गर्ल्स में से दस गर्ल्स ग्लासेस यूज करती हैं और दस गर्ल्स जो हैं वो ग्लासेस यूज नहीं करते और इन सब का जो सम है वो है थर्टी तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होगा हमारे पास एन ऑफ एस एन एफ एस इज इक्वल टू हमने एक स्टूडेंट चूज करना है तो यह हो जाएगा थर्टी सी वन तो हम इसको लिख सकते हैं थर्टी अब हमने इवेंट सपोज किया था ए और इवेंट हमने ए ये सपोज किया था कि इट इज बॉय स्टूडेंट इज बॉय तो हमारे पास जो क्लास के अंदर बॉयज हैं वो हैं टेन हमारे पास टेन बॉयज हैं तो एन एफ एज हो जाएगा हमारे पास टेन सी वन यानी कि हमने एक ही बॉय चूज करना है तो ये हो जाएगा टेन अब इवेंट बी हमने सपोज किया था वियर ग्लासेज अब यहां पे उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कौन ग्लासेज यूज करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये था सम वन वियर ग्लासेज सम अनु ग्लासेज में बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं तो पांच बॉयज और दस गर्ल्स ये वो हैं जो ग्लासेज यूज करते हैं और जेंडर डिफाइन नहीं की गई तो ये हो जाएगा हमारे पास इन पंद्रह में से कोई एक जो ग्लासेस यूज करता है तो ये हो जाएगा फिफ्टीन अब हमने ए इंटरसेक्शन बी देखना है ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये होगा हमारे पास बॉय एंड वियर ग्लासेस यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि लड़का हो और ग्लासेस यूज करता हो तो एन एफ ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारे पास लड़का भी हो और ग्लासेस भी यूज करता हो तो वो हमारे पास है पांच स्टूडेंट्स जो लड़के हैं और ग्लासेस यूज करते हैं तो एन एफ ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारे पास फाइव अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो था ये इक्वल था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी में जब और आए तो यहां यूनियन यूज होता है और एंड आए तो वहां पे इंटरसेक्शन तो हमारे पास जो लॉ बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉबलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है एन एफ ए इज डिवाइडेड बाई एन एफ एस यानी के नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस प्लस एन एफ बी इज डिवाइडेड बाई एन एफ एस माइनस एन एफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाई एन एफ एस अब हमारे पास जो एन एफ ए था वो था टेन डिडेड बाई एन एफ एस हमारे पास था थर्टी प्लस एन एफ बी हमारे पास फिफ्टीन है और एन एफ एस थर्टी ही है माइनस एन एफ एंटर सेक्शन बी है फाइव और एन एफ एस है हमारे पास थर्टी अब हम लेते हैं इनका एलसीएम तो थर्टी वन आर थर्टी एंड वन इंटू टेन इज टेन प्लस थर्टी वन आर थर्टी एंड वन इंटू फिफ्टीन इज फिफ्टीन माइनस थर्टी वन आर थर्टी एंड वन इन फाइव आर फाइव तो ये हमारे पास बनेगा ट्वेंटी इज डिवाइडेड बाय थर्टी तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू टू इज डिवाइडेड बाय थ्री